औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महफूज़ अहमद खट्टर। आप देख रहे हैं मेरे चैनल हाउ टू। मेरे ऑडियंस से मैं उनसे माजरत करता हूं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है मेरा जो है कुछ अनऑफिशल्स और ऑफिशल्स जो हमारे वर्क्स होते हैं उनके ऊपर जो है स्पेंड हुआ, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से अपने व्लॉग्स, अपने जो सोशल मीडियाज़ के चैनल हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर न दे सका। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो भी कंटेंट होगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आप तक जो है मेरी वीडियोस डिलीवर हो सके, जो कंटेंट है वो डिलीवर हो सके। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि चंद टॉपिक्स के हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे ICQ की ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो कैसे घर बैठे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि OGTCL या SNGVL यानी सुई नादरन गैस लिमिटेड की जो एप्लीकेशंस होती हैं, आप उनके ऑफिस जाते हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है, आप फिज़िकली जाते हैं, ठीक है, नंबर एक आपको उनके ऑफ़िस जाना पड़ता है, काफ़ी मिलो दूर जाकर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है एप्लीकेशन के ऊपर स्टार्ट होती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे कि आप ICQ में ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी कैसे सबमिट करेंगे। नंबर टू पे हम जानेंगे कि आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने गैस की जो मीटर है वो कैसे लगवा सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, जुड़ी रही है हमारे साथ, तो आइए चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये प्रोसेस हम कैसे करते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जो बिजली का डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो वो किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने अप्लाई ऑनलाइन कनेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने दीगर जो ऑप्शन है यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपने पहली अप्लाई किया है तो आप एप्लीकेशन को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई न्यू है, कोई मॉडिफिकेशन चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं इस ऑप्शन को यूज़ करके आप इसको एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि लोड वगैरह में चेंजिंग, एप्लीकेशन की दीगर एड्रेसेस वगैरह जो भी है। यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो यहाँ से एप्लीकेशन का जो हमारे सामने प्रिंट का ऑप्शन है इससे यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट निकलवा सकते हैं। यहाँ पे सपोज हम नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अपने मुतल्लिक़ कंपनी को यूज़ करेंगे। जैसे हम जो अटक रीजन है, बिंडी रीजन है, तो ये ICQ अंडर आता है, तो हमने ICQ को यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर उनकी जो सब डिविजन्स हैं, जहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है, जहाँ पर आपको पता है कि यहाँ मेरी जो सब डिविज़न है वो क्या आ रही है, तो अपने सब डिविज़न को आप लोगों ने यहाँ से क्लिक कर देना है या उसको हमने सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर सपोज़ कोई अटक का रहने वाला है, अटक सिटी का है, तो यहाँ से उसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है कि आपने आपको कितना जो है अपने जो कनेक्शन है उसके लिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हैं, इनको आप लोगों ने जो है सर, ठीक है, लोड अप टू 15 किलोवाट, ठीक है, अप टू 15 किलोवाट, यहाँ आगे जो है अबव 15-17, ये सारे ऑप्शन हैं आपको कौन सा या कितनी किलोवाट आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके घर के लिए रिक्वायर्ड है, तो ये ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे अपने नेबर का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ से इंटर करना है। उसके बाद इनकी जो रेफरेंस की जो भी इंटर करेंगे उनके सारी इंटर जो मालूम होती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन टाइप है, आपको किस चीज़ के लिए ये कनेक्शन चाहिए, ठीक है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए है, एग्रीकल्चर है, जनरल सर्विसेज है, ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, ठीक है, कॉलोनीज है या इस तरह की जो आपकी सेटअप्स है, ट्यूबवेल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, टेम्परेरी है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स के लिए चाहिए या कॉरपोरेट कर, तो ये सारे ऑप्शन हैं जो आपसे रिलेवेंट है। सपोज़ आपने डोमेस्टिक के लिए करना है तो हमें डोमेस्टिक ऑप्शन को क्लिक होने देना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन की जो स्टेटस है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, लैंड लॉर्ड है, ठीक है, आपका अपनी ज़मीन है तो वो अपनी मालूमात यहाँ पे इंटर करनी है। अगर आप टेनेंट हैं यानी किराएदार हैं तो आपने अब यहाँ पे जो टेनेंट वाला ऑप्शन है क्लिक करके सारी इंफॉर्मेशन, अगर लैंड लॉर्ड है तो कनेक्शन है
अपने लिए मीटर लगवाना चाहते हैं तो अपना नाम, उसके बाद यहाँ पे सना को सिलेक्ट करके अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। ठीक है, सिटीजनशिप लिखनी है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी लिखना है, अगर आप फॉरनर सिटीजनशिप हैं तो आपने ये सारे ऑप्शन यहाँ के सामने ओपन हो जाते हैं, इनके ऊपर जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फिल करनी है। लेकिन हमने पाकिस्तानी सिटीजन के लिए चेक होने देना है ताकि हम अपने पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे डेट एंटर कर सकें। यहाँ पे NIC नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर। ठीक है, ये दो मोबाइल नंबर के ऑप्शन है, जो स्टैटिक लगा होता है ये मैंडेटरी होता है, यहाँ पे ऑप्शन है कि आप दूसरा नंबर दे सकते हैं। ठीक है, नीचे ऑप्शन है कि आपकी जो ऊपर एड्रेस दिया हुआ है ये सेम यही होगा, यानी ये जो एप्लीकेंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम यही होंगे। ठीक है, जिसके थ्रू आपसे वो कॉन्टेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप यही रखना चाहते हैं तो सेम एज अबव कर देना है, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर खुद सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेमिसेस हैं कि आपकी जो नज़दीक तर है वो वहाँ पे कितने मीटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे हमने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मैक्सिमम लोड आपको कितना चाहिए, आपकी घर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे एंटर करना है, ये सही सा करना है। अगर आप ज़्यादा एंटर करेंगे तो आपकी जो बिल है वो भी उसी तनासिब से आपके आएगा। ठीक है, मिनिमम जो है 3 to 5 जो है तकरीबन ये इनफ होता है एक घर के लिए सारा सिस्टम चलाने के लिए। और प्रीमिसेस एड्रेस जहाँ पे आपकी जो जहाँ पे आपके ये मीटर वगैरह इंस्टॉल है तो वो यहाँ पे एड्रेस वगैरह एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट्स आ जाती हैं, ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होता है, जहाँ आपके आप अपने घर में बिजली को या कनेक्शन लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कापी है एप्लीकेशन की, अटेस्टेड कापी, वो अपलोड करनी है। फिर उसकी विटनेसेस की अटेस्टेड कापी, वो यहाँ से ब्राउज के ऑप्शन में जाके अपलोड कर देनी है। नेबर की इलेक्ट्रिसिटी की बिल की कापी, ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे तो वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाती है। उसके बाद नेबर की, ठीक है, हो गया। ठीक है, वायरिंग कंट्रेक्टर्स टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, आपने वायरिंग की हुई है घर में तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वो भी यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने फिल की हैं, यहाँ पे एग्री का बटन है इसको, यानी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनकी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने रिकैप्चा है, ऊपर रिकैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, और आखिर में हमारे सामने सबमिट का बटन है। ठीक है, तो उसके बाद हमने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो ये एक वन पेज तकरीबन हमारे पास एप्लीकेशन एक प्रोसेस था, जो इनके स्टेप्स थे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ से क्लियरली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप घर बैठे, ठीक है, आसानी से आप अपने एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो बजाय इस तरह के आप दफ्तर के जो है दौड़ लगाएं, ठीक है, वहाँ पे आपका एक टाइम वेस्ट हो, पैसे भी आपके जो है वेस्ट हो। ठीक है, तो मिनिमम टाइम में आप अपने एप्लीकेशन यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, और यहाँ ट्रैक वाला ऑप्शन है, बाकायदा आप अपने एप्लीकेशन का ट्रैक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको जो प्रोसेस है वो ये आपको जो है समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर किसी हवाले से आपको कोई इशू आ रहा है तो दी गई कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप सब ऑडियंस से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दिए गए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके दोस्तों और अजीज़ों और आपके रिलेटिव तक पहुँच सके, ताकि वो घर बैठे इस तरह की जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं इनके, उनसे वो मुस्तफीद हो सकें। पहले हम जो सुई नादन गैस पाइपलाइन लिमिटेड है इसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह एक पेज का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये आप जो डोमेस्टिक गैस कनेक्शन होती हैं उनके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होती हैं वो हम ऐड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने ये विजिबल है कि यहाँ पे हमने जो एप्लीकेंट नेम होता है वो पे मेंशन करना होता है, यानी आपका जो नाम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने सन ऑफ या डॉटर ऑफ, ठीक है, वो यानी फीमेल की सूरत में हम डॉटर ऑफ लिखना है, ठीक है, या वाइफ ऑफ लिख सकते हैं, और मेल की सूरत में हम सन ऑफ को यूज़ करके आगे पेरेंट का नाम लिखेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सामने ऑप्शन है वो सीएनआईसी का है, ठीक है। यहाँ पे हमने सीएनआईसी नंबर इंटर करना है। उसके बाद जो हमारे सामने सीएनआईसी इशू डेट है वो यहाँ पे हमने इंटर करनी है, यानी आपके सीएनआईसी जो आपका शनाख्ती कार्ड इशू हुआ हुआ है जिस डेट से, उस डेट की यहाँ पे सीएनआईसी डेट यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद अगर आपकी रेजिडेंशियल पे कोई लैंडलाइन लगी है तो वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके ऑफिस का कोई लैंडलाइन है, ऑफिस का या टेलीफोन नंबर लिखना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो लाजमी एंटर कीजिएगा। ये जो ऑप्शन है आगे हमारे पास, यहाँ पे वो एड्रेस हमने एंटर करना है जहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको गैस कनेक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो एड्रेस हमने यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे हमने वो एड्रेस एंटर करना है एंड पे जहाँ पे आपके घर के साथ आपके मोहल्ले में जहाँ तक गैस की कनेक्शन है गई हुई है, ठीक है। नियरेस्ट प्लेस जहाँ पे पहले गई हुई है गैस, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे कंज्यूमर नंबर को एंटर करना है, ठीक है। जैसे ही आप कंज्यूमर नंबर को एंटर करेंगे तो आप कंज्यूमर नंबर का नाम जो है यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है, कि यानी जिस कंज्यूमर नंबर के रेफरेंस से आप अप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं वो दुरुस्त है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रोविंस को एंटर करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे सिटी जिस सिटी में आपको रिक्वायर्ड है कनेक्शन वो यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने कि आपको ये जो गैस कनेक्शन है वो किस किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, किचन है, ठीक है, वाटर हीटिंग है, जो स्पेस हीटिंग है, ठीक है। तो ऑल अगर आपको रिक्वायर्ड है तो जो ऑल थ्री है, यानी तीन जो ऑप्शंस हैं आपको तीनों के तीनों रिक्वायर्ड है तो ऑल ऑफ थ्री, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप इनमें से किसी एक को चूज करना चाहते हैं तो वो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनर जो होगा जिसके नाम पे मीटर इशू होना है या रजिस्टर्ड होना है तो यहाँ पे उस ऑनर का नाम लिखना है और यहाँ पे उनका आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो ओनर है उनका यहाँ पे सीएनआईसी के फ्रंट कॉपी को अपलोड करना है, ठीक है। बैक साइड जो है सीएनआईसी का वो अपलोड करना है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ जो है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स जो है, ठीक है, आपकी जो हाउस है, आपका अपार्टमेंट है वो कितने मरले पे है या जो भी उसकी क्राइटेरिया है, ठीक है, फर्द है आपका, तो वो यहाँ पे आप इसको अटैच कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये आपने चेकआउट करना है। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपकी जो घर है वो कितने मरलाज के ऊपर ऑक्यूपाइड है या कितने मरलाज के ऊपर आपके घर बना है, ठीक है। अब टू 10 मरला है, यानी 5 मरला लग जा सकता है, 3 मरला, 2 मरला, वो सारे आप 10 तक जो भी आपकी क्राइटेरिया। अगर अबव 10 मरला है तो आपने अबव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अगर ठीक है, अब टू 10 मरला है तो आपने इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रिकैप्चा है, इसको यहाँ पे फिल करना है। और उसके बाद आखिर पे हमारे सामने इंटर सबमिट का बटन है, तो इस एप्लीकेशन को यहाँ से सबमिट कर देना है। ये सिंपल सा प्रोसेस है, हमने इसको इस तरह एप्लीकेशन जो है सबमिट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो है जो रेफरेंस नंबर है वो आपके सामने अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट कर लेते हैं। जैसे ही आपके पास रेफरेंस नंबर आ जाता है, एक हफ्ते के बाद जो है आप अपने एप्लीकेशन की जो स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, आइए इस प्रोसेस को भी देखते हैं। जो आपकी एप्लीकेशंस का स्टेटस है उसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने ड्राइव में किसी भी जगह आप इसको सेव कर सकते हैं या आप इसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं ताकि आपके पास प्रूफ रहे। जब आप एप्लीकेशन के स्टेटस मालूम करें तो ये रेफरेंस नंबर आप इंटर करें और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन की जो स्टेटस है वो यहाँ पे अपीयर हो। जैसे ही आप SNGVL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पे हमने कस्टमर सर्विस के ऑप्शन के ऊपर जाना है और नीचे हमने स्क्रॉल करके यहाँ पे हमारे सामने ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दीगर जो हमारे सामने ऑप्शन हैं वो आ जाती हैं, लेकिन हमने जाना है क्योंकि हम डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, ठीक है। नीचे ऑप्शन है, आप किसी भी अपार्टमेंट, किसी सोसाइटीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें या ट्रांसफर ऑफ गैस कनेक्शन, ये सारे ऑप्शन हैं, आप इनको भी यूज़ करके अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है सबमिट कर सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल डोमेस्टिक यूज़ का प्रोसेस जान रहे थे,
तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर डोमेस्टिक यूज़ के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो आगे हमारे पास जो वेब पेज ओपन हो जाता है यहाँ पे, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सामने जो है रेफरेंस नंबर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नंबर को हमने एंटर करना है, और एंटर करने के बाद इस कैप्चर को फिल करना है, और फिल करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप एप्लीकेशन की जो स्टेटस है वो जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी सिमिलरली आप इसके प्रिंट करवा के अपने रिकॉर्ड में इसको सेव कीजिएगा। तो ये प्रोसेस था जो आप लोगों को बताना मकसूद था कि आप अपने घर बैठे अपनी एप्लीकेशन जो है कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो प्रोसेस है यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट करने का, ये समझ आ गया होगा। और अगर कोई इस हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी फेस हो रही है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से गाइड किया जा सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।